चक्रवात यास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सतर्क। पूर्वी रेलवे ने 24 से 29 मई के बीच 25 रेलगाड़ियों को किया निरस्त। वायुसेना ने एनडीआरएफ के 950 कर्मियों को पहुंचाया 26 हेलीकॉप्टर, तत्काल तैनाती के लिए तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी के बाद बाबा रामदेव ने डॉक्टरों और एलोपैथी को लेकर दिए अपने विवादित बयान पर जताया खेद। कहा, पूरे विवाद को विराम देते हुए अपना बयान वापस लेता हूं। बच्चों के लिए कोवैक्सीन का जून से शुरू हो सकता है ट्रायल। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट, 2,22,000 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 3,02,544 मरीज हुए स्वस्थ। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 23 से 30 मई के लिए आवंटित की रेमडेसिविर की 22.17 लाख शीशियां। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे। एस जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ करेंगे चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी कर सकते हैं मुलाकात। दुबई में आज से शुरू हो रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के 7 पदक पक्के। वहीं पुरुष वर्ग में स्टार मुक्केबाजों से सजी भारतीय दल की नजर पिछले रिकॉर्ड को बेहतर करने पर होगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ चक्रवाती तूफान यास का आज चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है और अगले 24 घंटों के दौरान बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। चक्रवाती तूफान यास बंगाल उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है। ये बुधवार शाम तक दीघा और पारादीप पहुंच सकता है। इस तूफान की रफ्तार उत्तरी खाड़ी में 120 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से निपटने के लिए सशस्त्र बलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय वायुसेना के 15 मालवाहक विमानों ने जामनगर, वाराणसी, पटना और एर्नाकुलम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 950 कर्मियों और 70 टन सामग्री को कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर पहुंचाया है। मानवीय सहायता और आपदा राहत की 10 खेप भुवनेश्वर और कोलकाता भेजी है। 5 खेप पोर्ट ब्लेयर पर तैयार रखी गई हैं। पूर्वी कमान और अंडमान निकोबार कमान के 8 पोत राहत पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। 4 गोताखोर और 10 बाढ़ राहत टुकड़ियां कोलकाता, भुवनेश्वर और चिल्का में तैनात की गई हैं। ये टुकड़ियां बहुत कम समय के बुलावे पर नागरिक प्रशासन को उपलब्ध होंगी। मंत्रालय ने कहा है कि 7 बाढ़ राहत दल और 2 गोताखोर दल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग स्थानों पर तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नौसेना के विमान और हेलीकॉप्टर राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में तैयार रखे गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टरों और एलोपैथी को लेकर पर दिया अपना विवादित बयान वापस ले लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी के बाद योग गुरु ने एक कदम उठाया है। स्वामी रामदेव ने ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री को संबोधित करते हुए कहा, आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसके बारे में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना बयान वापस लेता हूं और ये पत्र आपको भेज रहा हूं। उन्होंने अपने बयान के लिए खेद प्रकट किया है और कहा है कि वो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं है। साथ ही उन्होंने लिखा, एलोपैथी के डॉक्टर्स से कोरोना काल में अपनी जान दांव पर लगाकर करोड़ों लोगों की जान बचाई है, हम उसका सम्मान करते हैं। हमने भी आयुर्वेद और योग से करोड़ों लोगों की जान बचाई है, इसका भी सम्मान होना चाहिए। इससे पहले रविवार शाम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव को चिट्ठी लिखकर उनसे बयान वापस लेने को कहा था। उन्होंने लिखा था कि रामदेव ने अपने बयान से कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देशभर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है, इसलिए उन्हें अपना आपत्तिजनक वक्तव्य वापस ले लेना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू कर सकता है। भारत बायोटेक के बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर राजेश एला ने कहा कि हम जून से अपने वैक्सीन कोवैक्सीन का बाल चिकित्सा परीक्षण शुरू कर सकते हैं। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दी है। ये तो बहुत ही
भयंकर और गंभीर समस्या है। तो क्या वहाँ कोई तूफान आया और तूफान में वो फाइल बह गई, या कोई वो भूत प्रेत वहाँ आते हैं ना, लोग ज़्यादा आते हैं आजकल वहाँ, वो चुरा कर लेके गए, तो देखना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार से नियम बाह्य वर्तन करना, घटना बाह्य काम करना, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देता। अगर ये 12 सदस्य आज होते, उनको नियुक्त किया होता, तो ये सब वो जो सब विधायक है, जो विधायक बनते थे, वो आज कोरोना के संकट में महाराष्ट्र में बहुत ज़ोर से काम को लगते, मुख्यमंत्री जी को सहाय होता, उसका सहायता होती काम करने में। लेकिन राजनीति के चलते 12 सदस्यों की नियुक्ति रोक दी गई है। अब तो हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है फाइल कहाँ है, हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है, तो हाईकोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 1,500 कोटी राज्याला द्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती, ती सुद्धा पूर्ण झाली नाही आहे। महाराष्ट्राची जनता बेहाल आहे, त्यांना मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहे। आता मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा आहेत, बरोबर आहे, मुख्यमंत्री हे जनतेच्या अपेक्षेला खरे उतरतील, पण या महाराष्ट्राला लुटण्याचं काम सातत्यानं दिल्लीवाले करत असतात, मुंबईला त्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही? प्रधानमंत्री गुजरातला जातात आणि एका झटक्यात 1,000 कोटी रुपये देतात, बाजूला महाराष्ट्र आहे जुळभावंड गुजरातचंच, किंवा गुजरात जुळभावंड आहे महाराष्ट्राचं, गोवा जुळभावंड आहे महाराष्ट्राचं, महाराष्ट्राला काही नाही, गोव्याला काही नाही, म्हणजे इथल्या लोकांनी आमच्या तडफडून मरायचं का? तुम्हाला मजा वाटते? हे एक प्रकारचं निर्घृण कृत्य। तर महाराष्ट्रामध्ये नुकसान हुआ है, मुआवजे की बात हो रही है, हम तो जरूर बात करेंगे, केंद्र से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री बात करेंगे, लेकिन ये समय ऐसा है कि केंद्र और राज्य में संघर्ष नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन अगर आप गुजरात को जो तूफान आया, चक्रवात आया, उसके लिए आप 1,000 करोड़ दे सकते हैं बिना मांगे, लेकिन महाराष्ट्र का जो आक्रोश है, आकांत है, दुख है, वेदना है, उनको आप समझ नहीं पाते, और हमको बार बार धूली फैलानी पड़ती है, हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये सब यहाँ की जनता देख रही है। तो बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवा को लेकर और हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी देखिए ये डॉक्टर हर्षवर्धन और बाबा रामदेव की बात है। अगर बाबा रामदेव जी ने जो बात की है वो किसी और ने की होती, किसी अपोजिशन पार्टी के संदर्भ में किसी नेता ने, तो अब तक बीजेपी ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम किया होता। सर, कोरोनाच्या काळामध्ये औरंगाबादमध्ये कोरोना झालेले लोक हे रोजगार हमीच्या कामावर होते अशा प्रकारचे, त्या संदर्भात मंत्री जे आहेत पण अशा पद्धतीने ते बोलते ना, माझ्याकडे माहिती नाही, मी आपल्याच माध्यमातून ती बातमी पाहिली, माझ्याकडे पक्की माहिती नाही। सर, नाना पटोलेंनी टीका केलेली आहे, ते म्हणाले की काँग्रेस आहे म्हणून सरकार आहे। बरोबर आहे, आम्ही असं कधीच म्हटलं नाही की काँग्रेसशिवाय सरकार आहे। नाना पटोलेंना अशी शंका काय यावी, आम्हाला पूर्ण माहिती आहे, आणि हे सरकार बनवताना आम्ही आघाडीवर होतो, बाकी सगळे नंतर आले, ठीक आहे, पण काँग्रेस सोनियाजी, राहुल गांधीजी, प्रियंकाजी यांच्याशी आमच्या चर्चा सुरूच होत्या सुरुवातीपासून। शरद पवार असतील, अन्य नेते असतील, उद्धव ठाकरे साहेब असतील, त्याच्यामुळे हे सरकार जे आहे ते एकमेकांच्या मदतीनं, एकमेकांच्या सहकार्यानंच चाललं आहे, आणि याचं विस्मरण तिन्ही पक्षापैकी कोणालाही झालेलं नाही। डेफिनेटली उसको किसने नकारा है क्या? नाना पाटोले जी के साथ किसी ने इस प्रकार से चर्चा किया है कि आपके सिवाय सरकार बन गई है? कांग्रेस तो महत्वपूर्ण स्तंभ है एक सरकार का है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने सम्मति दी, परमिशन दी, इसलिए सरकार बनी है।